दोस्तों आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। वही वो जिसका डर था, पीएससी में हम जितनी खुशियाँ मना रहे थे, जितनी हम इंजॉय कर रहे थे, उतनी हमारी चीखें निकली हैं इंटरनेशनल मैच के लगा के। जो बहुत से मेरे दोस्त थे वो तरावियाँ पढ़ने के लिए गए थे, जब तरावियाँ पढ़ के वो वापस आए, उन्होंने टीवी ऑन किया, स्कोर कार्ड देखा तो कुछ इस किस्म की उनकी रिएक्शन निकली। बहुत से हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो इसी बारे में बात कर रहे होंगे कि जितने भी नया टैलेंट होता है उसको इसी तरह लेकर आते हैं और नए टैलेंट को चांस देना चाहिए, लेकिन नए टैलेंट को चांस देने का भी एक तरीका होता है, अपने नए टैलेंट को बिल्कुल ट्रक के सामने फेंक दिए कि यार अब चलो जो भी करना है कर लो, खुद ही ट्रक आ रहा है, इसके साथ जिस तरह अपने आपको बचाना है यार। तो तमीज़ तरीके के साथ नए टैलेंट को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, चार सीनियर्स के बीच में एक जो है वो नया बंदा आता है, जो कि दूसरे एंड के ऊपर कोई ऐसा बैट्समैन बैठा हुआ होता है तो तीसरे एंड वाले जो हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर तो सारी चीज़ें इस तरह होती है। आधी टीम आपकी डेब्यू के ऊपर थी, उसके बाद जो बाकी जितनी भी टीम थी वो कम बैक कर रही थी, तो जो कम बैक तो होते हैं वो और ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, क्योंकि वो एक बार टीम में आके निकाले गए होते, तो डेब्यूटेंट तो फिर भी कोई ना कोई कहीं से दिलेरी दिखा देते हैं, जो कम बैक वाले होते हैं ना उनके ऊपर आपने रिलाय कर दिए, इतने ज़्यादा आपने नए अंडर प्रेशर लोगों को रख दिया, पूरा प्रेशर कुकर की सूरत हाल बनी थी, तो हमने हारना तो था ही, अफगानिस्तान ने हिस्ट्री बना ली है, उन्होंने पाकिस्तान को कई दफ़ा हरा दिया। खैर बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारी कि ऑल आउट रहे हुए हम, 9 आउट ही हुए, 20 ओवर के अंदर भी हम ऑल आउट होने वाले थे। वैसे जितने भी लोग थे जो कि बाबर रिजवान के ऊपर इतनी बातें करते थे कि उनकी स्ट्राइक रेट इस तरह है उस तरह है, कहते थे उनको अब समझ आ गई होगी कि बाबर रिजवान की पार्टनरशिप इतनी ज़रूरी है, क्योंकि जब वो नहीं होते हमारी टीम में तो हमारी टीम का 20 ओवर खेलना भी मुश्किल हो जाता है। आज से 4 साल पहले यही गेम थी जिसके अंदर T20 के अंदर ऑल आउट हुआ करते थे, लेकिन हम लोग बहुत ही शॉर्ट टर्म हमारी मेमोरी है, हम लोग भूल जाते हैं, हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो उनमें से कीड़े निकाल रहे होते हैं। अभी मुझे पूरे यकीन है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा बैठ के जरूर बोल रहा होगा कि बाबर की वजह से ही टीम का ये हाल हुआ है, ताकि इसका भी ब्लेम उसके ऊपर ही डाल दिया जाए। पिच जरूर मुश्किल थी, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं थी कि इसके ऊपर 80-90 रन बनाए हैं, मतलब तकरीबन 120-130 वाली पिच तो ये थी, इसके अंदर कम से कम राना बॉल हो सकता था, बीच में एक दो को चौका भी लग जाता है, लेकिन वो भी नहीं हो सका, इस वजह से हम हार गए। अगर 120-130 का स्कोर होता तो अफगानिस्तान से कभी भी ये चेज नहीं होता। दूसरा, PSL के अंदर हमने बहुत ज़्यादा फट्टा विकेट्स बनाई हुई थी जिसके ऊपर 200-250 रन बनाते थे हम, और 250 रन चेज भी हो रहे होते थे, उसके अंदर अगर आपके कोई बैटर्स परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको हमें इतना ज़्यादा भी हाई रेट नहीं करना चाहिए। हाँ, उन कंडीशंस के अंदर अगर किसी ने परफॉर्म किया था जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो वो था एहसानुल्लाह इस मैच के अंदर आप लोगों को नज़र भी आया होगा कि उसकी परफॉर्मेंस थी, पहले ही ओवर के अंदर उसने 2 आउट किए, इनफैक्ट तीसरा भी लेके जाने वाला था, लेकिन बड़ी ही मुश्किल से इनसाइड ऐसे में हमें नबी ही था जिसको वो आउट करने लगा था। खैर बात कर लें बाकी बॉलर्स की, तो उसके अंदर टू बी वेरी ऑनेस्ट बैट्समैन ने तो हमारे गंद फैलाए ही था, बड़ी ही लूज़ किस्म की शॉट्स खेली थी जिसके ऊपर बहुत ही सॉफ्ट किस्म के डिसमिसल्स हुए हैं, जो कि हम आउट भी हुए थे, लेकिन उसके साथ साथ बॉलर्स ने भी कोई इतनी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस की नहीं थी मेरा ख्याल में। हमारे एहसानुल्लाह के अलावा जो है इमाद ने भी थोड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन शदाब ने बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलिंग की थी, पिच से उसको कोई असिस्टेंस नहीं मिल रही थी, कोई टर्न नहीं हो रही थी, जब हर स्पिन की बॉल टर्न हो रही थी फिर भी उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। उसके अलावा नसीम शाह और जमान भी जो है उन्होंने भी कोई खास बॉलिंग नहीं कराई थी, जिसकी मुझे पता है कि उनके बहुत से फैंस होंगे, उनको बुरा भी लगेगा, लेकिन जो बात सच है वो सच है कि ना हमने बैटिंग अच्छी की ना ही हमने बॉलिंग अच्छी की, तो हम डिजर्व करते ही नहीं थे जीता। फैराज पावर प्ले का बहुत ही बेहतरीन किस्म का यूज़ भी हुआ, जिसके अंदर चूंकि रिजवान और बाबर नहीं थे तो इन्होंने मैखा में 400 रन बना दिए थे, उसके बाद फिर उनको ख्याल आया कि यार ये तो बिल्कुल ही वन साइड मैच हो जाएगा, तो फिर उन्होंने बीच में से कोई हमें 150 रन माइनस करवा दिए अंपायर से बातचीत करके, और 40 रन के ऊपर हम 5 आउट हुए थे। या तो ऐसा होना कि पावर प्ले के अंदर आप लोगों ने अगर विकटें लूज कर ली तो कम से कम स्कोर आपने जो है वो 12 की रन रेट के ऊपर किया, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे थे। भाई अंबानी को भी चाहिए कि हमें कोई कम से कम गालियाँ शालियाँ देते, उसकी वजह से हमारी थोड़ी बहुत गरज जागती है, उसके अलावा तो हमारा कोई स्कोर बनता ही नहीं। और फिर अफगानिस्तान वालों ने अपना रन भी दिखा भी दिया, उन्होंने उसी तरह खरीदी थी, नबी जो थे उन्होंने शुरू में जब आउट हो रहे तो कुछ भी नहीं कहते, लेकिन जब 7 आउट हो गए तो उसके बाद खूब आंखें भी दिखाना शुरू कर दी थी। मेरे ख्याल में वो तो ज़रा ज़्यादा आंखें इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि उनको PSL में पिक नहीं किया गया था, वैसे बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी, बैटिंग में भी उन्होंने स्कोर तो कर लिया, उसके अलावा जो बॉलिंग थी उसके अंदर भी उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। फिर कैप्टनसी भी काफ़ी मुझे एवरेज किस्म की लगी, एक टाइम के ऊपर जब शदाब भी मैच में बॉलिंग करा रहे थे तो उनके ऊपर बैट्समैन सिंगल पे सिंगल लिए जा रहे थे, और मैंने ये देखा था कि फील्डर्स जो हैं वो बिल्कुल सर्कल के एज के ऊपर खड़े हुए थे, जब पता है कि मैच पूरी तरह से हाथ से निकल गया है तो पीछे जो सिंगल्स हैं वो तो कम से कम रोकने चाहिए थे, लेकिन वो भी रोक नहीं गए थे, तो ना सिर्फ बैटिंग एवरेज हुई, बॉलिंग भी एवरेज हुई और कप्तानी भी काफ़ी एवरेज हुई। खैर बाकी बात हो कि एक ही बात सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम
मुझे नजर आई वो ये आई कि ये जो ट्रॉफी थी ये किस किस्म की ट्रॉफी थी जो इस सीरीज के अंदर रहे उन्होंने की, हमें असल में नहीं ये ट्रॉफी देकर हमारा मूड खराब हो गया तो हमने कहा इस ट्रॉफी में जीतनी नहीं है, तो हम जीतने की नीयत से खेल ही नहीं रहे, शायद कोई हैंडमेड बनाई है, मुझे पता है कि इनके जरूर कोई फील्स के अंदर तकलीफ होगी, लोगों को बड़ा भी लगेगा जिसने भी इसके साथ बड़ी कोई अटैचमेंट होगी, लेकिन बहुत ही बच्चकल और कोजी किस्म की ट्रॉफी, ऐसी ट्रॉफी अक्सर जो है वो हमारे यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर बिक्री होती है। अल्लाह माफ करे जब कोई मर जाता है तो कब्र के ऊपर इस तख्तियाँ लगाई जाती हैं जैसी ये ट्रॉफी बनाई गई। कर्मेडी जो हमारे बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर हैं उन्होंने भी बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेल ली थी, उन्होंने स्ट्राइक भी बड़ा बेहतरीन रखा जिसकी वजह से वो अब इसको कोई नहीं बोलेंगे कि ये सेल्फिश इनिंग्स थी क्योंकि ये तो ऑफकोर्स टीम प्लेयर हैं, लेकिन इन्होंने मेरे ख्याल में कोई 1600 सिंगल्स भी डिनाई किए थे ये सोच के मैं अब सिर्फ छक्कों के अंदर ही डील करूंगा, मैं ऐसे ऐसे छक्के मारूंगा कि इनको लग पता जाएगा ये पकड़ पकड़ के लाएंगे बॉलर और थक जाएंगे इनके बॉलर्स और फील्डर्स, तो उनके छक्के तो लगे नहीं वो बोल्ड हो गए। दूसरी तरफ नसीम शाह भी जो है वो भी बहुत ही ज्यादा टेम्परामेंट के साथ आए, वो पिछले मैच का जो गुस्सा था उसी के साथ ये वाला मैच भी खेलने के लिए आए थे, उन्होंने आके जब गेम खेलना शुरू की तो उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था और बहुत ज्यादा जज्बाती हुए थे, मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी जज्बात की क्या जरूरत थी, बिल्कुल भी इसमें उनकी कोई जज्बात की जरूरत नहीं थी, आप अपनी अगर विकेट बचाते और आराम आराम से खेल लेते एंड के ऊपर आके अगर आप दो चार छक्के भी मार लेते तो टीम का बहुत फायदा हो जाता, लेकिन उन्होंने आके फुल टाइम मारने की कोशिश की और फिर धुनी के ऊपर बॉल खा के उनका जो बल्ला है वो वापस विकेट के ऊपर भी लगा तो नहायत ही एम्बेरेसिंग तरीके से आउट हो गए। पता नहीं हमारी टीम की सिलेक्शन भी किस तरह होती, जब पता भी था कि टर्निंग विकेट है तो उसके बाद फहीम अशरफ का टीम में होने की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, कोई और ऑलराउंडर हो सकता था यहाँ पे, हमें नवाज हो सकता था जो कि बैटिंग भी कर लेता है और स्पिन भी कर लेता है बॉल, तो उसको टीम में हमने रख दिया और उससे फिर कोई ओवर भी नहीं कराया, तो टीम सिलेक्शन भी अजीब होती है, कप्तानी भी अजीब होती है, मैनेजमेंट भी अजीब सी हो रही होती है, तो पता नहीं करने वाले कर क्या रहे होते हैं। खैर तैयब ने शुक्र है कोई अच्छी किस्म की इनिंग्स खेली थी जिस वजह से थोड़ी बहुत इज्जत बच गई थी, नहीं तो हमसे 50 भी नहीं होने थे। दूसरी तरफ आजम भाई भी जो है वो प्रेशर के अंदर पूरी तरह से ब्रेक कर गए थे, उन्होंने उनसे विकेट के पीछे हिला ही नहीं जा रहा था, जितनी उनकी थाइस के बीच में सी बॉलें निकल के जा रही थी, थोड़ा सा यार कम से कम और कुछ नहीं तो टांगे ही आगे करके रोक लिया करो भाई, तुम बॉलें उनसे मिस हो रही थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच भी था जो कि नबी का उन्होंने ड्रॉप कर लिया, तो उसकी भी पोजीशनिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बॉल के बिल्कुल ही पीछे आ गए थे, इस वजह से मेरा ख्याल में उनसे कैच भी नहीं हो सका, लेकिन जो भी वो प्रेशर सिचुएशन के अंदर सभी जो है वो पिघल गए। खैर आई होप कि हमारी अगली जो मैचेस होंगे उसके अंदर कोई थोड़ी बहुत इज्जत बच जाए, लेकिन मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि हम कुछ भी कर सकेंगे क्योंकि अब तो डबल प्रेशर हुआ होगा हमारी टीम के ऊपर अगले मैचेस खेलते हुए भी, और इस मैच की परफॉर्मेंस के बाद मुझे नहीं लगता कि यहाँ से हम कोई कमबैक करने लगे हैं, अगर कमबैक हो गया तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी मेरे ख्याल में, इमरजेंसी के ऊपर हमें बाबर और रिजवान शाहीन इन सबको बुला लेना चाहिए क्योंकि हमारी पूरी टीम के साथ भी हमने जो इनके साथ मैचेस खेले थे वो भी मर मर के जीते, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि हमने क्यों इस किस्म का एक्सपेरिमेंट किया अफगानिस्तान ऊपर से T20 के ऊपर, अफगानिस्तान वो भी शारजा की विकेट के अंदर वो उतना ही डेंजरस है जितना इंडिया अपने होम के ऊपर होता है, उसी से मुझे याद है कि इंडिया की जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हुई है वो भी वो हार चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि स्मिथ की जो टीम है उसकी कप्तानी का मैंने पहले भी शायद जिक्र किया इन वीडियोज़ के अंदर, उसको बिल्कुल कप्तान होना चाहिए और उसको वापस फुल टाइम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए क्योंकि इंडिया को होम कंडीशन के ऊपर उसने हरा दिया है वो भी 1-0 डाउन होके, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अंदर सूर्या कुमार यादव जो उन्होंने भी मेरे ख्याल में डक्स की एक हैटर करी, हमारे अब्दुल्ला शफीक भी डक्स की हैट्रिक कर चुके हैं, तो दोनों दोस्त जो हैं वो आपस में हाथ मिलाकर गले मिलकर सुलह कर लें। खैर इंडिया की जितनी भी सीरीज थी उसके अंदर पिचेस बहुत ही बेहतरीन बनाई गई हैं क्योंकि जो टेस्ट सीरीज थी उसके अंदर या तो बहुत टर्निंग होती थी या फिर बिल्कुल ही फटा विकेट्स होती थी, ओडीआई के अंदर बहुत ही बेहतरीन उन्होंने विकेट्स बनाई जिसके अंदर रिजल्ट जो है वो बन रहे थे और लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे, तो इनका भी उल्टा हिसाब होता है, ओडीआई के अंदर ये टेस्ट की विकेट्स बना रहे हैं जैसे हमारे वाले जो हैं वो T20 के अंदर, हमारे तो खैर हर दफ़े ही कुछ और ही हमारे 10 डेज वाले टेस्ट की विकेट्स बनती। मुझे उम्मीद है कि आज की एपिसोड आपको जरूर पसंद आई होगी, अगर ऐसा है तो लाइक के बटन को छू लें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो CBI आर्मी को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह।